हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविता गैदरिंग लीव्स की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई कविताओं में से सबसे सरल इस कविता को मानी जाती है, जिसमें वो जीवन के अर्थहीनता के बारे में बताए हैं। वो बताएँ कि मानव अपना समय, अपना कीमती समय तुच्छ चीज़ों पर बर्बाद करते हैं। कविता जीवन के निरस्ता को बताती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कविता के लाइन्स को रीड आउट करते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है, स्पेड्स टेक अप लीव्स नो बेटर देन स्पून्स। कविता की शुरुआत कवि यह कहते हुए करते हैं कि पत्तियों को इकट्ठा करना एक कठिन काम है। यहाँ पे स्पेड्स लिखा है, आप इसे कुदाल या फावड़ा के सेंस में समझे। कवि पत्तियों को जमा करने के लिए कुदाल या फावड़ा का प्रयोग करते हैं। नो बेटर देन स्पून्स, कवि यहाँ पे बता रहे हैं कि उनके द्वारा प्रयोग किए जा रहे हैं कुदाल और चम्मच के बीच कोई खास अंतर नहीं है। एंड बैग्स फुल ऑफ लीव्स आर लाइट एज बैलून्स, कि कवि की जो बोरी है जिसमें वो पत्तों को जमा कर रहे हैं, तो वो पत्तों की जो बोरी है वो उतना ही हल्का है जितना कि बैलून होता है। आई मेक अ ग्रेट नॉइज ऑफ रसलिंग ऑल डे लाइक रैबिट एंड डियर रनिंग अवे। कवि उस आवाज़ का जिक्र करते हैं जो वो पत्तों को जमा करने के क्रम में वो हो रहा है, लाइक रैबिट एंड डियर रनिंग अवे। कवि के द्वारा जो खड़खड़ाहट भरी आवाज़ हो रही है, मानो कि वह आवाज़ रैबिट या डियर के भागने से जो आवाज़ उत्पन्न होता है ठीक उसी के भांति हो। बट द माउंटेन आई रेज एल्यूड माई एम्ब्रेस फ्लोइंग ओवर माई आर्म्स एंड इन टू माई फेस। यहाँ पे माउंटेन पत्तियों को रेफर करता है, यानी कि पत्तों का जो वो जो ढेर जमा किए हैं, वो पत्तियों के ढेर से एक पहाड़ बना दिए हैं, पर वो पत्ते जो हैं कभी का परवाह नहीं करते हैं। सो यहाँ पे लिखा गया है, फ्लोइंग ओवर माई आर्म्स एंड इन टू माई फेस, कि वो पत्तियाँ जो है कभी के चारों तरफ हवा बहने के साथ वो बिखर जाते हैं। यहाँ पे इम्ब्रेस का मीनिंग हो गया आलिंगन करना, कि कभी जो है पत्तियों को जमा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हवा बहने के साथ ही वो पत्तियाँ जो है कवि के प्रयास को असफल कर देता है, वो बिखर जाता है उसके चारों तरफ। पत्तियां जो है कवि के आलिंगन से बचता है, और इसके विपरीत जो है, इसके विपरीत पत्तों को जमा करने का जो काम है वो और भी कठिन बन जाता है। हालांकि पत्तियां काफ़ी वजनहीन होता है, पर उसे जमा करने का काम काफ़ी भारी भरकम होता है। आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है, आई मे लोड एंड अनलोड अगेन एंड अगेन टिल आई फील द होल सेट एंड वॉट हैव आई देन। वो पत्तों को बार बार इकट्ठा कर सकते हैं कि जब तक कि वो पूरा शेड ना भर ले। यहाँ पे शेड आप कह सकते हो कि स्टोरेज के सेंस में आप समझो, कि यहाँ पे वो बता रहे हैं कि वो पत्तों को जो है वो बार बार इकट्ठा कर सकते हैं कि जब तक कि वो अपने बोरी को भर ना ले। और वो महसूस कर, यहाँ पे कभी महसूस करते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि क्या मिलेगा यदि वो पत्तियों को जमा भी कर ले। सो यहाँ पे लिखा गया है, एंड वॉट हैव आई देन, तो उनको क्या मिलेगा यदि वो पत्तियों को भी जमा कर लेते हैं तो। और आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है, नेक्स्ट टू नथिंग एंड सिंस दे ग्रू डलर फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ अर्थ नेक्स्ट टू नथिंग फॉर कलर। हालांकि वो पत्तियों का बोरी वो भर लिए हो, यह अभी भी हल्का है। पत्तियाँ ज़मीन पर गिरकर वो अपना रंग खो देता है और सड़ने के बाद मिट्टी में परिणत हो जाता है। सो यहाँ पे लिखा गया है, नेक्स्ट टू नथिंग फॉर वेट, कि हालांकि वो पत्तियों को जमा कर लिए हो, लेकिन उसका जो वजन है वो काफ़ी हल्का है। एंड सिंस दे ग्रू डलर फ्रॉम कॉन्टेक्ट विथ अर्थ, और यदि पत्ते एक बार वृक्ष से गिरते हैं और जैसे ही उसका कॉन्टेक्ट जो है वो अर्थ से होता है, तो वो काफ़ी डल हो जाता है और धीरे धीरे वो सड़ने लगता है, अपना वो रंग खो देता है और मिट्टी में परिणत हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, नेक्स्ट टू नथिंग फॉर यूज बट अ क्रॉप इज अ क्रॉप एंड हु इज टू से वेयर द हार्वेस्ट शैल स्टॉप। इतने कठोर परिश्रम करने के बावजूद पत्तियाँ उतने मूल्यवान नहीं होते हैं जितने की कोई फसल। सो यहाँ पे लिखा गया है, नेक्स्ट टू नथिंग फॉर यूज बट अ क्रॉप इज अ क्रॉप, लेकिन फसल तो फसल ही है और ना किसी को पता भी है कि फसल की जो कटाई का समय है वो कब खत्म होगा। सो यहाँ पे मेटाफर यूज किया गया है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि फसल जीवन के सेंस में समझा जा सकता है, जबकि पत्तियों को इकट्ठा करना कि
जीवन में अपने प्रयासों से एक अर्थ देना। यहाँ पे पत्तियों को इकट्ठा करने की जो बात की जा रही है, आप उसे जीवन में, अपने जीवन में जो आप अपने प्रयास से जो अर्थ देते हैं अपने जीवन को, उस सेंस में। जबकि फसल की जो यहाँ पे बात की जा रही है, वो जीवन के सेंस में। यहाँ पर जो लिखा गया है, एंड हु इज टू से वेयर द हार्वेस्ट शैल स्टॉप, कि किसको पता है कि किसी इंसान का जीवन कब कब ख़त्म होने वाला है, ये बात किसी को पता नहीं है। सो यहाँ पे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ हो, उसका सामना करना पड़ता है। एक मानव के तौर पे हम कभी भी इस बात से जानकार नहीं हो सकते कि कोई मानव कितने दिनों तक इस पृथ्वी पे रहने वाला है। तो क्यों ना अपने कार्य को जारी रखें, बिना उन चीज़ों के बारे में सोचे जो अपने हाथों में नहीं है। और कभी के अनुसार हम अपना मकसद पा सकते हैं, चाहे क्यों ना हम अपने जीवन में बोरिंग वर्क, कोई उबाऊ काम कर रहे हो, बस ज़रूरत है उसमें सजगता होने की।